बेटा जुबेर, ये जुबैर ये कितनी उंगलियां हैं भाई? इसको क्या मालूम, इसके अब्बू तो पूछेंगे, इसे तो कम दिखाई देता है। यार मैंने कितनी बार कहा कि मेरे वाले साहब का मजाक ना उड़ाया करो। अब तुम्हारे बाबा के आगे से तो हमारे क्या कसूर। अब्बू मैंने आपको कितनी दफा कहा कि मेरी क्लास की तरफ ना आया करें, सब दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारे वालिद की एक आंख नहीं है, और ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई आपका मजाक उड़ाए। बस इतनी सी बात है, ठीक है बेटा आइंदा नहीं आएंगे। वालिद ने बेटे की मजबूरी को देखते हुए फैसला किया कि आइंदा वो उसके दोस्तों के सामने उसके रूबरू जाने से गुरेज करेंगे। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, जुबैर जिंदगी में कामयाबियां हासिल करता जा रहा था, उसका ये खौफ बढ़ता जा रहा था कि उसके वालिद की वजह से लोग मजाक ना उड़ाएं। जुबैर जिंदगी में कामयाबियां समेटता हुआ जब शादीशुदा जिंदगी की तरफ जाने का सोचने लगा, तो बाप की कुजी उसके लिए एहसास कमतरी का बायस बनती जा रही थी, जिसके बाद उसने शादी से कबल ही बाप से अलहदगी का फैसला किया। मेरा बेटा कहीं जा रहे हैं क्या? जी। कुछ बताया भी नहीं है, यूं ही चुपचाप? जिंदगी के सफर की शुरुआत है, अभी मुझे बहुत कुछ करना है, शादी करनी है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अलग रहूंगा। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा। नहीं बेटा, मुझे आपकी कामयाबी चाहिए, जहां भी रहें आप खुश रहें। जुबैर ने वालिद से अलहदगी के बाद शादी कर ली। कुदरत ने उसे औलाद की नेमत से नवाजा, उसके पास घर, बीवी, बच्चे सब कुछ था। वो नफसियाती तौर पर बाप के बगैर जिंदगी को कबूल कर चुका था, लेकिन उसका वालिद अक्सर व बेशतर दूर से ही सही, लेकिन अपने बेटे को देखता, पोते पोतियों को देखता और खुश होता। वक्त गुजर गया। एक रोज उसके वालिद ने सोचा कि वो बेटे से मिले और अपनी जमा पूंजी उसके हवाले कर दे, और वो वहां जा पहुंचा। जाओ बेटा, दरवाजा खोलो, देखो कौन है। क्या हुआ? माजरत बेटा। क्यों डर रहे हो? वही जिन बाबा है, इन्हें वापसी भेजे में डर लग रहा है। 100 बार कहा है कि मत आया करें यहाँ पे। माफ करना बेटा। माफ आप मुझे कर दें, हाथ जोड़ता हूँ मैं आपके। दिल ना दुखाना कभी भी इनका, इनकी रिजा रब की रिजा है। थक गया, आओ थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। बाबा आपके साथ कितना मजा आता है। हाँ बाबा साथ हो तो मजा तो आता है, लेकिन बाबा आपके बाबा तो आपके साथ नहीं है तो आप कैसे मजा आते हैं? मजा तो नहीं आता, लेकिन कभी कभार कोई मजबूरी। कैसी मजबूरी बाबा? तुम्हें मेरे बाबा से मिलना है। जी जी। चलो आज मैं आपको अपने बाबा और आपके दादा जान से मिलवाता हूँ। चलो बाबा, मेरा मतलब है शरीफ साहब हैं घर पे। तुम जुबैर हो ना? शरीफ साहब का इंतकाल हुए तो 6 माह हो गए। क्या कह रहे हैं? जो है वही कह रहा हूँ। उन्होंने मकान के कागजात और एक खत दिया था और कहा था कि कभी तुम आओ तो ये मैं तुम्हें दे दूँ, वरना ये घर किसी मस्जिद को डोनेट कर देना। आइए मैं आपको फाइल दे दूँ। तेरी उंगली थाम के चलता था, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद है तुम ठीक होगे। मैंने निहायत मुश्किल हालात में तुम्हें पढ़ाया और तुम्हारे लिए बड़ा आदमी बनने का ख्वाब देखा। मेरी एक आंख का होना तुम्हारे लिए हमेशा बाएं से शर्मिंदगी रहा। मैंने जान कर भी कभी तुम्हें बताया, तुम छोटे थे, तुम्हें कैंसर हो गया था, तुम अस्पताल में एडमिट थे। मैं तुम्हारे ऑपरेशन की फीस लेकर, जो मेरी जमा पूंजी थी, लेकर अस्पताल की तरफ आ रहा था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरी आंख में चोट आई। मुझे एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने कहा तुम्हारी आंख का ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना तुम्हारी आंख जाया हो जाएगी। मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं तुम्हारी जिंदगी बचाता या अपनी आंख।
मैंने तुम्हारी जिंदगी को बचाने का फैसला किया। मैं खुश हूँ कि तुम आज कामयाब इंसान हो और तुमने अपनी जिंदगी को रायगा नहीं होने दिया, बल्कि पढ़ लिख कर खुद को और अपने बीवी बच्चों को अच्छी तरह संभाल लिया। रशीद भाई को मकान के कागजात दे रहा हूँ, चाहो तो रख लेना, चाहो तो इसे बेच कर इसका पैसा अल्लाह के घर की तामीर के लिए वक्फ कर देना। फकत तुम्हारा वालिद। चाचा, ये फाइल आप अपने पास रखें और इसे बेच के इसकी रकम किसी मस्जिद में डोनेट कर दीजिएगा और मुझे मेरे बाबा की कब्र बताएं। दूसरों का मजाक उड़ाना हमारा मामूल बनता रहा है, जबकि कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मर्द दूसरे मर्दों पर ना हंसें, हो सकता है कि वो उन हंसने वालों से बेहतर हों, और ना औरतें दूसरे औरतों पर हंसें, हो सकता है कि वो उन हंसने वालियों से बेहतर हों, और आपस में किसी को ताना ना दो। जबकि वालिदैन की इताअत और हुकूक के बारे में तो कुरान और हदीस में मुतअद्दिद बार कहा गया, और तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अगर तेरे सामने उनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, तो उनसे उफ तक ना कहना और उन्हें ना झड़कना और उनसे खूबसूरत नरम बात कहना।